फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक अनोखी सी रेसिपी, वो है पनीर खमन रेसिपी। आपने खमन सैंडविच खाए होंगे, खमन और ढोकला खाया होगा, लेकिन ये थोड़ा हटके है। ये है पनीर खमन रेसिपी और खाने में बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है, और जितना टेस्टी है उतना ही ये हेल्दी रेसिपी है। अगर आप भी मेरे तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर खमन रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी में जरूर से देखिए और रेसिपी को फॉलो कीजिए, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं पनीर खमन रेसिपी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विमला, मेरे विदान किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं पनीर खमन रेसिपी। पनीर खमन की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है, और इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो मैं इसे बहुत ही इजी तरीके से आपको बना करके दिखाऊंगी, तो आप इसे डिनर या ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं बना करके। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ पर पनीर, तो ये छेना है, और ये जैसे दूध फट जाता है ना, गर्मी आ गई है और दूध फट गया है, तो इसका मैं आपको रीयूज बता रही हूँ। तो हमें छेना लेना है, तो ये फ्रेश छेना है, और आप चाहे तो इसकी जगह पनीर यूज कर सकते हैं। तो इसे मैं साइड में रखती हूँ। सबसे पहले हम खमन का बैटर रेडी करते हैं। खमन का बैटर रेडी करने के लिए हमें चाहिए एक बोल, और उस पर मैं ऐड करूंगी खमन मिक्स। खमन मिक्स मार्केट में इजीली मिल जाता है, बहुत ही आसान है मिलना, तो खमन मिक्स ले लीजिए। और खमन मिक्स में अब आपको कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कूटा हुआ अदरक, इसे मैंने कूट लिया है। थोड़ा नमक स्वाद अनुसार, इसमें सब कुछ मिक्स होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा नमक चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। तीखा लाल मिर्च, यहाँ पर आप चाहें तो हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं। अब इन सभी को हम पानी ऐड करते हुए एक बैटर रेडी करेंगे, जैसे कि खमन का बैटर होता है। तो हाथों को अच्छे से साफ कर लें और इसे हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये रेसिपी फटाफट बन जाता है फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लगता है। इसे आप कभी भी जब भी मन चाहे बना सकते हैं, झटपट बन जाता है। खमन का बैटर हमारा रेडी हो गया है, तो मैं इसमें कम से कम 2 चम्मच ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे खमन बहुत ज्यादा मॉइस्ट बनेगा, इसे हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर खमन मिक्स हमारा तैयार है, और खमन बनने के लिए मैंने यहाँ पे पानी भी स्टीम होने के लिए रख दिया, और ये स्टीम हो रहा है जब तक हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो हमें लेना है खमन स्टैंड, और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल से इसे ग्रीस करेंगे। तो फटाफट हम इसे हाथों से ही ग्रीस कर लेते हैं। इस तरीके से हमें इसे ग्रीस कर लेना है, और अब मैं इसमें खमन का थोड़ा सा लेयर ऐड करूंगी। तो सबसे पहले हमें थोड़ा पतला लेयर ऐड करना है इस तरीके से, और इसे हमें फैला देना है। तो खमन का मिक्स हमने इसमें अच्छे से फैला दिया है, तो इसकी जो लेयर है बहुत ज्यादा पतली रखनी है हमें, क्योंकि ये अभी राइस होगा, और हमें इसे थोड़ा टैप कर देना है इस तरीके से, ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएं। अब पानी यहाँ पर बॉइल हो रहा है, तो इसे हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए अभी मैं रख रही हूँ, तो इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अभी इसे स्टीम होने देते हैं। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई करके रखेंगे, और जब तक ये स्टीम हो रहा है हम रेडी करेंगे पनीर के लेयर को। यहाँ पर मैं छेने का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो पनीर का यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार हम नमक ऐड करेंगे, बहुत हल्का नमक रखना है, और थोड़ा सा मिर्च। अब इसे हम हथेली की हेल्प से मैश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छेने का रसगुल्ला बनाने के लिए इसे मैश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर छेने का डो रेडी है, तो अब हम इसकी लेयर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो खमन है वो कितना स्टीम हुआ है। तो बस अभी ये जो ये चिपक नहीं रहा है ना, बस ये तैयार है, तो हम इसे थोड़ा नीचे निकाल लेते हैं।
बहुत आराम से निकालेंगे इसे और इस पे हम इसकी दूसरी लेयर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं छेना, छेने का डो हम रखेंगे इसके ऊपर इस तरीके से और इसे हम थोड़ा फैला देंगे। बहुत आराम से फैल जाएगा ये, हल्के हाथों से हमें इसे स्प्रेड करना है। जितनी भी आपको मोटी लेयर चाहिए पनीर की आप वैसे ही कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने छेने की लेयर को अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, इस तरीके से आपको स्प्रेड कर देना है। तो मोटा या पतला जैसा भी आपको पसंद हो वैसा कीजिए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बैटर ऊपर से, तो बैटर की भी लेयर जो है थोड़ी हमें पतली ही रखनी है क्योंकि ये राइस होगा, तो इस तरीके से हम बैटर को भी स्प्रेड कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा टैप कर देंगे ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स निकल जाए। अब ऊपर से थोड़ा सा मैं लाल मिर्च स्प्रिंकल करूंगी इस तरीके से और अब इसे हम स्टीम होने के लिए रख देते हैं। फ्लेम को मीडियम टू हाई करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ढककर इसे स्टीम होने देंगे। एक बार हम चेक करते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स ये रेडी हो गया है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और बाहर निकालेंगे खमन को। फ्रेंड्स ये हमारा पनीर खमन रेडी है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे और प्लेटिंग करेंगे। फ्रेंड्स खमन की पहचान ये है कि जब ये स्टीम हो जाता है अच्छे तरीके से तो ये साइड के किनारों को इस तरीके से छोड़ देता है, जैसा आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके से करेंगे फिंगर से हल्का हल्का तो ये आराम से निकल आएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स पनीर खमन बनाना बहुत ही इजी है और ये काफी टेस्टी और हेल्दी है। खमन की रेसिपी तो ऑलमोस्ट हेल्दी होती ही है, मगर अगर आप इसमें पनीर ऐड करेंगे या छेना ऐड करेंगे तो ये इसे और भी ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना देता है। तो बस इस तरीके से हम इसके एक एक पीसेस निकाल लेंगे। ये देखिए ये जो पनीर की लेयर दिख रही है ना कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो इसी तरीके से मैं इसकी सारे पीसेस निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पनीर खमन रेसिपी बनकर के तैयार है और मैंने इसकी प्लेटिंग कर दी है। और ये है कच्चे आम की चटनी रेसिपी जिसे मैंने हाल ही में अपलोड किया है। टेस्टी है, डिलीशियस है, तो आप इस चटनी के साथ में इस पनीर खमन की रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा इसे धनिया पत्ती से गार्निशिंग कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये रहा हमारा पनीर खमन रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आया है तो रेसिपी को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को विदान किचन इंदौर को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही ऑल पे क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज की वीडियोस आप तक पहुंचे। तो इस रेसिपी को फॉलो कीजिए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय।